लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। देखने में भले ही ब्लेड छोटी सी चीज हो पर होती बड़े काम की है। ये हमारे रोज के कामों में काफी अहम भी है, खासकर पुरुषों के लिए तो बेहद जरूरी है। शेविंग करने से लेकर बाल कटवाने तक के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्लेड के आविष्कार और उसके उत्पादन के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। साल 1901 में जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैंप जिलेट ने अपने के सहयोगी विलियम निकर्सन के साथ मिलकर ब्लेड को डिजाइन किया था। इसी साल इन्होंने अपने नए ब्लेड के डिजाइन को पेटेंट कराया और साल 1904 में एक औद्योगिक रूप में ब्लेड का उत्पादन किया जाने लगा। दुनिया में हर रोज लगभग 1 मिलियन के आसपास ब्लेड बनते हैं और हम लोग भी बचपन से ब्लेड को देखते आ रहे हैं, पर कभी किसी ने इस बात को ध्यान से नहीं सोचा कि ब्लेड के बीच में खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है। परंतु ये बात आज हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लेड के बीच में खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है। 1904 के समय जिलेट ने पहली बार 165 ब्लेड बनाए थे। उस समय ब्लेड कुछ इस तरह के थे कि उनको शेविंग करने वाले जिलेट में बोल्ट के साथ फिट किया जा सकता था। उस समय कोई भी कंपनी ब्लेड बनाने के मैदान में नहीं थी। पूरी दुनिया में उस समय केवल जिलेट ही ब्लेड बनाया करती थी। कुछ समय बाद कंपनी का यह बोल्ट वाला ब्लेड बनाने का तरीका फैल हो गया और अन्य कंपनी भी जिलेट की तरह ही ब्लेड बनाने लगी। परंतु उस समय शेविंग करने के रेजर केवल जिलेट कंपनी के ही आते थे और रेजर के अंदर इस तरह का भाग होता है जैसा ब्लेड के अंदर अब खाली रहता है, इसीलिए ब्लेड की सभी कंपनी ने इसी तरह के ब्लेड बनाने शुरू कर दिए।